जिला जलंधर की तहसील शाहकोट तो चार नौजवान बीते दिन मदरस डे ते जलंधर हस्पताल विच खूनदान करन गए सन, पर उन्होंने ए नहीं सी पता कि ए महान खूनदान उन्होंने किसी संकट विच पा सकता है। पिछले दिन जलंधर तो दो डॉक्टर दे कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई सी, जिथे उपरोक्त चार नौजवान खूनदान करन गए सन उन्हों का खून लैन वाला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क विच आया सी, जिसनु देखते हुए शाहकोट के चार नौजवानों नु सिविल हस्पताल शाहकोट वालों एकांतवास कर दिता गया है। इस मौके ते शाहकोट तो पंजाब दर्पण न्यूज़ दे पत्रकार गौतमपुरी अते मोंटी अरोड़ा वालों एसएमओ शाहकोट नाल गलबात कीती गई, तां उन्होंने कहा कि साडे चैनल जानकारी मिली सी वी चार जिहड़े व्यक्ति आ शाहकोट तो खूनदान करन लई जलंधर गए सी, ते ओ जिहड़े अस्पताल विच खूनदान करके आए सी उत्थे दो डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए कोरोना दे, ते उहदे करके इन्हां नूं चार 14 दिन लई एकांतवास भी भेजा गया वा। तो असं एसएमओ शाहकोट जो साडे हैगे आ, तो उन्होंने असं जानकारी लेने भी इन्हों किन्ने दिन लिए एकांतवास भेजा गया, तो किन्ने व्यक्ति साढ़े शाहकोट तो होर एकांतवास में किए गए हैं। असी क्योंकि करोना का जोड़ा है बीमारी इस वे सारे विश्व भर में पैर पसारे हुए हैं, तो इस करके साढ़े सारे का यह फर्ज बनता है कि आप रल के कुछ एक ऐसे जो प्रिकॉशन लीए जिहे गल करिए, जिमें कि आप गल की कि मूँह से मास्क बन के रखने हैं, हाथ बार बार धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, खंघ आए तो या कोई छिक आए तो मूँह तक के रखना है, तो या किसी को आप आले दुआले देखते हैं कि तेज खांसी तेज बुखार है खांसी है तो ठीक नहीं हो रही और हफ्ता 10 दिन हो गया है, और खास तौर पर जिनकी शुगर है या कोई होर ऐसी कोई कैंसर की बीमारी है या कोई होर लंबी बीमारी तो चल रहा है प्लस उन्होंने ये चीज़ा हो रही है, तो आप सही तौर पर आप देखते हैं भी उसका टेस्ट करवा देना चाहिए, तो पर ये एक सिस्टम ऐसे क्वारंटाइन का बनया है कि असी जिते जिते सू शक पैदा बी जिमें किसी पिंड में कोई केस पॉजिटिव आ जाता है तो असं देखते हैं भी वो इंसान अगर जिदा केस पॉजिटिव आया तो वो देखी दे जो आले दुआले उस टाइम किसी को मिले या वो को बैठा है या किसी तरीके मेल प्राप्त होया, तो आप बंदियां नूं भी चाहिए कि तुम 14 दिन लिए असं एकांतवास कर लेते हैं। तो इदा भी खबर साढ़े सामने आई थी कि साढ़े शाहकोट के चार बंदे वापस भी गए थे, तो उस हॉस्पिटल में पता लगे कि डॉक्टर साहब का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो एहतियातन तौर पर असी ये कर रहे हैं भी क्योंकि उस हॉस्पिटल में उस दिन गए तो उधरों केस उन्होंने पॉजिटिव आ गया, असी इस शाहकोट की बेहतरी वास्ते लोगों की तसली वास्ते साड़ी तसली वास्ते असी उन्होंने बंदियों को 14 दिन की क्वारंटाइन कर देना, उसके नाल यह होंगे कि फिर कोई भी यह जो चांस नहीं रहता कि आप कल बीमारी जी अपनी शाहकोट इदा। मैं बार बार एक ही गल चाहता कि शाहकोट वाले सारे निवासियों को कोई डरन की जरूरत नहीं है, कोई इदा बहस करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा प्रिकॉशनरी स्टैप लिया जाता है जोड़ा कि बड़ा जरूरी होंगे, सो पर मेरी सारे बेनती है जिसे सेहत विभाग क्वारंटाइन वास्ते कहता है उन्हें इंसानों को 14 दिन की अगर विभाग कह रहा है कि तुम घर के अंदर रहना तो उसका मतलब है कि अंदर ही रहना, और असं कितने देखते हैं भी वो कहना नहीं मनते, तो मैं सारे शाहकोट ब्लॉक में स्नेहा देना चाहूँगा भी जोड़ा इंसान कहना नहीं मनेगा तो उससे सानू मजबूरन कई बार कोई पुलिस की धारा भी लगानी पड़ती है जिसे करके फिर उन्होंने मास्क की होती है, सो अपनी बेहतरी वास्ते शहर की बेहतरी वास्ते लोगों की बेहतरी वास्ते आप क्वारंटाइन का मतलब समझ के इस तो ना डरते हुए इसकी सिर्फ पालना ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਪਣ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੌਤਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੋਂਟੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।